बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। अब बच्चों जैसे कि आपने देखा था, हमने लास्ट क्लास में एक नए अध्याय के साथ मैं आपके साथ था, जिसमें हमने तत्वों के आवर्तीय गुण के बारे में मैंने आपको आयनन ऊर्जा पढ़ाया था। बच्चों आयनन ऊर्जा को आगे लेते हुए मैं आज आपको आयनन ऊर्जा की आवर्तीयता के संदर्भ में जानकारी दूंगा। बच्चों हम आयनन ऊर्जा का एक बार में संक्षिप्त में डेफिनेशन आपके सामने रिकॉल कर देता हूं। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि किसी भी तत्व के परमाणु की गैसीय विलगित अवस्था से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण रूपेण उस तत्व के परमाणु से बाहर निकालने के लिए हमको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं बच्चों? आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा का ही एक दूसरा नाम क्या भी है, हम इसको आयनन विभव भी कहते हैं। हम तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं वो ऊर्जा आयनन ऊर्जा है, और इसकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों, ठीक है। जो ऊर्जा हम उस पर खर्च करेंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में खर्च करेंगे। मैं अब आपको आज की क्लास में आयनन ऊर्जा की आवर्तता की जानकारी देने वाला हूं। तो बच्चों जैसे ही आप देखते हो कि कहीं पर आवर्तता शब्द आपके सामने आता है, तो आप सबसे पहले समझ जाइए कि आवर्तता समझाने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल में दो स्थितियां चुननी होंगी, जिसमें पहली स्थिति जब आप चुनेंगे तो वो स्थिति होगी वर्ग में, ठीक है। इसको हम बोलेंगे वर्गानुसार, यानी वर्ग के अनुसार। और बच्चों दूसरी स्थिति जो हम चुनते हैं वो होती है आवर्त में, ठीक है, आवर्त में। और इसके लिए हम कहते हैं आवर्तानुसार, मतलब आवर्त के अनुसार, है ना। अब आप लोग ये भली बात ही आप जानते होंगे कि वर्ग क्या होता है और आवर्त क्या होता है, ठीक है। तो जब हम आयनन ऊर्जा की बात कर रहे हैं कि आयनन ऊर्जा की आवर्तता की हमको व्याख्या करनी है, मतलब बच्चों हमको आयनन ऊर्जा को वर्ग और आवर्त में समझाना है और इसको एक्सप्लेन करना है कि वर्ग में क्या प्रभाव पड़ता है आयनन ऊर्जा पर और आवर्त में क्या प्रभाव पड़ता है आयनन ऊर्जा पर। तो बच्चों मैं जल्दी से आपको वर्ग के लिए एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, वर्गानुसार आयनन ऊर्जा, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से मैं सबसे पहले जो मूल डेफिनेशन है वो आपके सामने रख दूंगा। और मूल डेफिनेशन जो है बच्चों वो ये कहती है, किसी भी वर्ग में, ठीक है, किसी भी वर्ग में वर्गानुसार ऊपर से नीचे, ठीक है। बच्चों आप हमेशा याद रखेंगे जब हम किसी वर्ग में होते हैं तो हमेशा ऊपर से नीचे ही वॉक करते हैं अपन, है ना, ऊपर से नीचे आते हैं। तो किसी भी वर्ग में वर्गानुसार ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा का जो मान है, ठीक है बच्चों, तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, घटता जाता है, ठीक। आपको याद रखना है बच्चों कि जब आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे मूव करोगे ना, तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा या कम होता जाता है। इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं, उदाहरण देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए जो उदाहरण मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं। उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने फर्स्ट वर्ग के ना, प्रथम वर्ग के, या आप इसको समूह कहते हो, तो मैं प्रथम वर्ग या प्रथम समूह के तत्व ले रहा हूं। तो प्रथम समूह में जो तत्व है बच्चों, सबसे पहला हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और इसके अलावा कौन है बच्चों, फ्रांसियम, ठीक है। ये जितने भी तत्व मैंने लिखे हैं, सात एलिमेंट हैं और ये सभी आपके प्रथम वर्ग के तत्व हैं बच्चों। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19। बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए और समझिए, जब मैं इन तत्वों के संदर्भ में आपको बताने जा रहा हूं और मैंने आपको बताया कि किसी भी वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे वॉक करते हो
जब आप ऊपर से नीचे की तरफ चलते हो तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। उसके बढ़ने का जो सही कारण है ना, वो मैं अब आपको इस उदाहरण के द्वारा समझाने जा रहा हूं कि आखिर वो क्यों बढ़ता है। तो रीजन देखिएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक होगा, लिथियम का दो और एक होगा, इस तरह से सोडियम का दो आठ और एक होगा, पोटेशियम का बच्चों दो आठ आठ और एक होगा, इसी तरह से रूबीडियम का दो आठ अठारह आठ और एक होगा, जबकि सीजियम का दो आठ अठारह अठारह आठ और एक होगा, फ्रांसियम का दो आठ अठारह बत्तीस अठारह और आठ और एक होगा। फाइनली बच्चों आप देख सकते हैं कि ये सभी प्रथम वर्ग के तत्व हैं और इसीलिए इनके अंतिम कोश में केवल एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है, केवल एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये इनकी पहचान है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल इनका सही किया गया है। बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, हाइड्रोजन के पास एक सेल है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जिस सेल में होगा वो पहला सेल होगा, लिथियम के पास दो सेल है, सोडियम के पास तीन सेल है, पोटेशियम के पास चार सेल है, रूबीडियम के पास पांच सेल है, इसी तरह से सीजियम के पास छह सेल है, जबकि इसके पास सात सेल है। तो बच्चों हम कुछ चीजें यहां पर मेंशन करेंगे और वो देखिए कि जब हम वर्गानुसार ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो हम देखते हैं कि तत्वों का जो परमाणु क्रमांक है, ठीक, तो तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों, बढ़ता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, अगर तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो बच्चों उसका आकार भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना, बढ़ता जाएगा। परमाणु का आकार बढ़ेगा बच्चों तो परमाणु की त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, यानी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ेगी। फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा बच्चों, कोषों की संख्या बढ़ेगी। ठीक, कोषों की संख्या बढ़ेगी। अब कोषों की संख्या बढ़ती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि नाभिक और अंतिम कोश के बीच इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है ना, तो दूरी भी क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। बहुत अच्छे से समझने वाली बात यह है कि जब आप किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा बच्चों, तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु आकार बढ़ रहा है, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, कोषों की संख्या भी बढ़ रही है, नाभिक और अंतिम कोष के बीच की दूरी भी बढ़ रही है। इसकी वजह से क्या होगा, नाभिक का अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण बल है ना बच्चों, तो वो आकर्षण बल क्या हो जाएगा, वो कम होता है, और कम आकर्षण बल के इलेक्ट्रॉनों को निकालना अपेक्षाकृत सरल होगा। ठीक है, तो यही वजह है बच्चों कि वर्गानुसार ऊपर से नीचे चलने पर जो आयनन ऊर्जा का मान है वो क्या होता जाता है, घटता जाता है ना। ये पर्याप्त रीजन है यहां पर आपके सामने कि अंतिम इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल कम हो जाने की वजह से उस इलेक्ट्रॉनों को, अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को निकालना अपेक्षाकृत सरल हो जाएगा और हम बहुत ही सहजता से, सरलता से अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकेंगे, निकाल सकेंगे, और यही वजह है कि वर्ग में आयनन ऊर्जा का मान घटेगा। बच्चों जल्दी से आवर्तता को कंप्लीट करेंगे और आवर्त के गुण को भी देखेंगे, तो आवर्त में क्या होगा इस चीज को भी समझिए। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आवर्तानुसार बच्चों आंसर आपके सामने पहले ही ले रहा हूं, आवर्तानुसार किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, हमेशा बाएं से दाएं चला जाएगा, आवर्त को पढ़ने का ये नियम है, हम कभी भी दाएं से बाएं की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, हम हमेशा बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे।
तो बच्चों किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर हाइड्रोजन ऊर्जा का मान सदैव क्या होता है, बढ़ता है। अब इसके बढ़ने का जो कारण होगा ना, इसके बढ़ने का जो कारण होगा, वो कारण मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करूंगा। तो देखिए मैं आपके सामने द्वितीय आवर्त ले लेता हूं, ठीक, द्वितीय आवर्त। तो बच्चों द्वितीय आवर्त के तत्व मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और वो कुछ इस तरह से होंगे। द्वितीय आवर्त में सबसे पहले लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन जैसे तत्व शामिल है। बच्चों लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब बनाता हूं, तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 1, इसका होगा 2 और 2, ठीक है, इसका होगा 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, 2 और 7 और इसका होगा 2 और 8। इस तरह से मैंने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए। फाइनली बच्चों मैं कुछ चीजें आपके सामने मेंशन करने जा रहा हूं, वो देखिए ध्यान से कि जब आप बाएं से दाएं चल रहे हो ना, जब आप बाएं से दाएं चल रहे हो तो क्या होता है। तो बच्चों तत्वों का जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, वो बढ़ता है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या वास्तव में तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। देखिए यहां पे परमाणु क्रमांक 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, यहां 6 है, यहां 7 है, यहां 8 है, यहां 9 है और यहां पर 10 है। यानी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। परमाणु, अगर बच्चों तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था कि उसका आकार भी बढ़ना चाहिए था, है ना, आकार बढ़ना चाहिए। मैं बोल रहा हूं चाहिए, यहां पे मैं इस पर जोर दे रहा हूं, पर आकार बढ़ेगा, ठीक है, तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो आकार बढ़ना चाहिए, पर क्या आकार वास्तव में बढ़ेगा, तो मैं बोल रहा हूं आकार नहीं बढ़ेगा। अब आप बोलेंगे सर आकार क्यों नहीं बढ़ेगा, तो उसके पीछे रीजन देखेंगे, क्योंकि बच्चों हम यहां पर देखेंगे कोषों की संख्या। तो जैसे ही हम कोषों की संख्या पर बात करेंगे, अब आप देखिए यहां पर एक और एक दो कोष, यहां पर एक और एक दो कोष, यहां पर भी 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 एक और एक दो कोष। इसका मतलब यह हुआ बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट होता है कि इन तत्वों के, इन मतलब आवर्त के अनुसार जब हम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनमें कोषों की संख्या स्थिर होती है। तो बच्चों यहां पर जो कोषों की संख्या है वो कैसी बनी हुई है, स्थिर बनी हुई है, और यही एक वजह है कि जो तत्व है उसका आकार जो है वो बढ़ता नहीं है, जबकि उसको बढ़ना चाहिए था। अब बच्चों अगर आकार नहीं बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि उसकी त्रिज्या भी नहीं बढ़ेगी, उसकी त्रिज्या में भी वृद्धि नहीं होगी। लेकिन लेकिन बच्चों आप बहुत अच्छे से समझिए, लेकिन आप देखिए कि उसके अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ती है, ठीक है। और जो नाभिक है, नाभिक में क्या बढ़ते हैं, नाभिक में बढ़ते हैं धनात्मक आवेश, मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। तो बच्चों जब अंतिम संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और नाभिक में धनात्मक आवेश बढ़ेंगे, तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में उनके पास जो अंतिम संयोजी है ना, ये जो अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इन पर नाभिकीय आकर्षण क्या हो जाएगा बच्चों, इन पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है, ठीक। अब अगर इन पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाएगा तो इसका परिणाम क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम यह होगा कि तत्वों के परमाणु आकार में संकुचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, संकुचन, मतलब सिंपल सा है कि वो कैसे होने लगेंगे, वो छोटे होने लगेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये था लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन है ना। तो अगर ये सबसे बड़ा है तो ये वाला उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये उससे 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 छोटा, ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो धीरे धीरे परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा और छोटे आकार के परमाणुओं से वजह है कि हमको ऊर्जा अधिक खर्च करनी पड़ेगी, अधिक देनी पड़ेगी, और जब ऊर्जा अधिक खर्च करनी पड़ेगी, अधिक देनी पड़ेगी,
तो स्वाभाविक सी बात है जब आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ मूव करोगे तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ऑब्वियसली सी बात है बढ़ेगा। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों इसके साथ में एक अगला टॉपिक भी आपके साथ ले रहा हूं और वो टॉपिक देख लीजिए, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता। बच्चों हम समझने का प्रयास करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, बहुत अच्छे से समझिए। किसी तत्व के परमाणु की गैसीय विलगित अवस्था में उसके अंतिम संयोजी कोश में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश कराने हेतु तत्व के परमाणु से निकाली गई या उसे दी जाने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। बच्चों बहुत अच्छे से समझ के रखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता नाम से ही समझ में आ रहा है जो तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन को बांध दे, है ना। तो किसी तत्व के परमाणु में उसकी गैसीय विलगित अवस्था में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को उसके अंदर प्रवेश कराने के लिए हम उसको जितनी ऊर्जा देंगे या उससे जितनी ऊर्जा निकालेंगे, यहां पर दो बातें आ रही हैं, हम ऊर्जा दे भी सकते हैं, हम ऊर्जा निकाल भी सकते हैं, तो वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी, बस शर्त है कि इलेक्ट्रॉन उसमें बंध जाना चाहिए। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी। इसको समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चों, उदाहरण देखिए ध्यान से। मान लो मैं आपके सामने क्लोरीन 17 का एग्जाम्पल लू तो ये हो जाएगा 2, 8 और 7। बच्चों क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति होगी। तो ये क्लोरीन का नाभिक है, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश और बच्चों ये है उसका तीसरा कोश। बच्चों पहले कोश में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने आपके सामने रखना स्टार्ट किए हैं इस तरह से। दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं इस तरह से। बच्चों अंतिम कोश में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 ये 7। अब हमको एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना है। मान लो बच्चों हमारे पास ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, अब हम इसको इसके अंदर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मालूम है ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो सजातीय आवेशों में सदैव क्या होता बच्चों, बिल्कुल सही, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जो कि तत्व के परमाणु के वाहकों में है, ये आने वाले से एक इलेक्ट्रॉन पर क्या करेंगे, प्रतिकर्षण लगाएंगे। तो सीधी सी बात है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से उसके अंदर नहीं जाएगा और यही वजह है कि हम पहले इन इलेक्ट्रॉनों से थोड़ी थोड़ी सी ऊर्जा क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, है ना, इनसे हम ऊर्जा को निकाल देंगे ताकि ये सुस्त हो जाएं, लेजी हो जाएं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको। जैसे ही इलेक्ट्रॉन सुस्त होंगे हम इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को अब इतनी पर्याप्त ऊर्जा देंगे कि ये उनका विरोध करके अब आसानी से उसके अंदर चला जाए और ये जितनी ऊर्जा अपने साथ लेकर जाएगा ये उन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जिस ऊर्जा को हमने निकाला था उनकी भरपाई कर देगा और उनके साथ सामंजस्य बिठाकर क्या हो जाएगा, अंदर स्थायी तौर पर रहने लगेगा। तब सिंपल सी बात है, इस एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए हमने तत्व के परमाणु से जो ऊर्जा निकाली थी वो ऊर्जा, ये जो ऊर्जा बच्चों हमारी, इसी ऊर्जा को हम किस नाम से जान रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये इलेक्ट्रॉन 3 प्रकार की होती है, ठीक है, बेसिकली पहले ये धनात्मक और ऋणात्मक होगी लेकिन इसके भी हमको 3 अलग अलग
टाइप मिलेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, बहुत जल्दी आपसे अगले वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।